अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट सीरीज में हमने अपनी न्यूज़पेपर ऐप के कोर्स को कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने एक न्यूज़पेपर ऐप बनाई थी फ्रंट एंड में रिएक्टजेस को यूज़ करते हुए और बैक एंड में लारावेल को यूज़ करते हुए। ये एक नई सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम उसी सीरीज पर कंटिन्यू करेंगे और वो जो हमने ऐप बनाई थी उस पर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में बहुत कुछ आ जाता है, टेस्टिंग में एंड टू एंड टेस्टिंग आ जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, उसके अलावा यूनिट टेस्टिंग आ जाती है, बिहेवियर टेस्टिंग आ जाती है और भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की फॉर्म्स होती हैं जिनका हर एक का अपना कोई स्पेसिफिक मतलब होता है और मकसद होता है। हम इस कोर्स में सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में करंटली कौन कौन सी टेस्टिंग प्री डिफाइंड है। बेसिकली जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि हमने आयोनिक को यूज़ करते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाया था, सिर्फ उसको यूज़ करते हुए उसकी CLI को, क्योंकि उन्होंने एक बॉयलर प्लेट स्टार्टिंग के लिए बनाया हुआ है, बाद में हमने आयोनिक को रिमूव कर दिया था क्योंकि उसमें ज़रा इश्यूज़ हैं इस वजह से, और वो रिएक्ट रोटर 6 के साथ भी कंपेटेबल नहीं है एटलीस्ट करंटली। अगर बाद में वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उसकी वजह से और क्योंकि हम वीट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास वीटेक्स आ गया है और साथ में एक और उन्होंने हमारे लिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क को सेटअप किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या टेस्टिंग सेटअप है, उसके बाद फिर हम एक टेस्टिंग की टाइप से स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ टेस्ट्स लिखेंगे और बाद में फिर हम अपने टेस्ट केसेस को डिफाइन करेंगे। ओके, हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक गेम प्लान के बिना स्टार्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो फिर हम एक गेम प्लान डिसाइड करेंगे जिसमें कि हम टेस्ट डिफाइन कर देंगे शुरू में कि ओके ये चीज़ें हम टेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ऐप में, और उसके बाद हम वन बाई वन उन टेस्ट को राइट करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। जब हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे हम उनको एक दफ़ा रन करके देखेंगे, और उसके बाद अगर हमने एक और टेस्टिंग टाइप के साथ कंटिन्यू करना हुआ तो वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उसी के साथ हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, व्हाट इज टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसमें टेस्टिंग ज़रूरी होती है। वो बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग हो सकती है, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग हो सकती है, और भी बेसिकली ये दो मेन टाइप्स हैं। मैनुअल टेस्टिंग मीन के कोई एक ह्यूमन बीइंग बैठा हो और वो वेबसाइट ओपन करे, कोई भी एक वेबसाइट उसने ओपन कर लिया और जब वो वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद फिर वो वन बाई वन उस चीज़ को टेस्ट कर रहा हो। ओके, वो उसके बटन्स पे क्लिक करके देखे, वो उसके फॉर्म्स को सबमिट करके देखे, वो वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके रिजल्ट को चेक करे कि वो जो रिजल्ट आया वो ठीक है कि नहीं। ये सारी मैनुअल टेस्टिंग है। एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, वो एक्चुअली चीज़ों पे क्लिक कर रहा है और उसके रिस्पॉन्स को देख रहा है। ओके, उसने ऐसे बटन पे क्लिक किया, उसने देखा कि नेविगेशन हुई है कि नहीं हुई, रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है, ये सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो है ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसमें स्टार्ट में बेसिकली एक ऑटोमेशन टेस्टर इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है कि वो ऑटोमेशन टेस्ट केसेस को राइट करता है, उनको डेवलप करता है, और उसके बाद जब एक दफ़ा वो टेस्ट केसेस को डेवलप कर देता है तो बाद में सिर्फ मशीन का काम होता है। जब भी टेस्ट करने होते हैं आप स्क्रिप्ट्स को रन करते हैं, उसके बाद उन स्क्रिप्ट्स को जब भी ज़रूरत होती है रन किया जाता है और वो स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली पूरी जो भी टेस्ट केसेस डिफाइन होते हैं उनको रन करके जो टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं उसकी रिपोर्ट जनरेट कर देता है, और जो फेल हो जाते हैं उनकी भी रिपोर्ट जनरेट कर देता है, और डिपेंडिंग ऑन के हमने फेल्ड केसेस पे अलर्ट्स लगाए हुए हैं तो वो अलर्ट्स वगैरह भी सेंड कर देता है। वो प्री डिफाइंड केसेस होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ मशीन, जैसे कि एक टेस्ट केस हम ऑटोमेशन में लिख सकते हैं कि ओके आपने इस पे होवर करना है, इस पे क्लिक करना है और जो भी एंड रिजल्ट आएगा आप उस पे बाद में आपने नेविगेशन का वेट करना है, जो कि लेटेस्ट फ्रेमवर्क जैसे कि साइप्रस वगैरह उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, पुराने फ्रेमवर्क सिलेनियम वगैरह में उसमें खुद वेट लगाना पड़ता है। और जब नेविगेशन आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने सर्च कर लेना है कि आपके जो पेज है उसमें ये हेडिंग आई है कि नहीं आई। अगर ये हेडिंग आ गई है मतलब आप उस पेज पे आ गए हैं, और आप URL को चेक कर सकते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको लगता है कि ओके मैं इस पेज पे आ चुका हूँ। और जब आप उस चीज़ को कंफर्म कर लें तो आप उस टेस्ट केस को वैलिड या ट्रू जस्टिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट
कंटिन्यू करते हैं कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो उसमें टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग लेट्स से कि हमने एक ऐप डेवलप किया है और उसमें हमने एक बटन, ये बटन जैसे डेवलप किया है, इसका काम ये था कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो ये उसको कॉन्टैक्ट पेज पे लेके जाए, लेकिन लेट्स से कि जब यूज़र इस पर क्लिक करता है तो वो उसको हु वी आर इस पेज पे ले जाता है। तो अगर ये केस है और हमने इसको डिप्लॉय कर दिया, हम यही समझ रहे हैं कि ओके यूज़र, और हमने खुद भी इसको मैनुअल टेस्टिंग नहीं की, हमने सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और डिप्लॉय कर दिया, अब यूज़र इस पर क्लिक कर रहा है और वो कॉन्टैक्ट पेज की पे आने की बजाय वो हु वी आर के पेज पे रीडायरेक्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जो पोटेंशियल क्लाइंट्स थे जिन्होंने हमें रीच आउट करना था, लीड्स जनरेट होनी थी, वो सारी ज़ाया हो गई। इस वजह से, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, इस तरह के और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इम्पोर्टेंट करेक्टर प्ले करता है उसकी बेसिकली सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो न्यूज़पेपर ऐप का कोड है उसमें ऑलरेडी कौन कौन से टेस्टिंग फ्रेमवर्क सेटअप हुए हुए हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूँगा, और लास्ट टाइम हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और हमने अपनी जो न्यूज़पेपर ऐप है उसको कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि लास्ट टाइम हम कहाँ तक काम कर चुके थे। ये बैकएंड है और ये हमारा फ्रंट एंड है। हम यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ पर रन करके देख लेंगे। ये ऐप यहाँ पे हमारी काम कर रही है और ये इसका कोर्स ज़ायोंस के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें कि हमने ये पूरी ऐप को डेवलप किया है रिएक्ट जेएस और लारवेल को यूज़ करते हुए। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं और वो सारा कुछ आप उस कोर्स में सीख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे कोड में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम सिंपल पैकेज डॉट जेसन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टेस्टिंग जो फ्रेमवर्क है वो सेटअप है। सबसे पहले, क्योंकि हम वीट को यूज़ कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट इंजन के लिए, तो हमारे पास वीटेक्स ऑटोमेटिकली इन्होंने मेरे लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग के लिए। बेसिकली वीटेक्स ये जेस्ट का अल्टरनेटिव है। हमारे पास जेस्ट ये जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग के लिए है और ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, काफ़ी लोग इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं और ये काफ़ी बेहतर भी है। इसकी कम्युनिटी ETC काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये करंटली 29.7 वर्जन पे, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी मेच्योर है। इसके अगेंस्ट वीट ने वीटेक्स निकाला है, जो कि बेसिकली ज़रा लेटेस्ट मॉडर्न सिंटैक्स है और जो मॉडर्न फीचर्स हैं वो इसमें काफ़ी ईजीली अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये मॉडर्न है, ये अभी जेस्ट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इसकी कम्युनिटी सपोर्ट ETC कम है। तो अगर आपने किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट करनी है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स और सपोर्ट कम्युनिटी ETC वगैरह आपको चाहिए, तो जेस्ट आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। और अगर आपने बेसिकली यूनिट टेस्टिंग से स्टार्ट करना है और आप सारे मॉडर्न फीचर्स के साथ टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो वीटेक्स एक आपके लिए अच्छी च्वाइस हो सकती है। हम यहाँ पे आते हैं, वीटेक्स बेसिकली हमारे लिए ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। यहाँ पे हम अभी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और हमारे लिए क्या कॉन्फ़िगर है। ये बेसिकली जो टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं ये यूज़ होती हैं इसकी, ये दोनों के साथ ही यूज़ होती हैं, वीटेक्स और जेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेस्ट डॉम भी इन्होंने किया हुआ है, मीन कि बिहाइंड द सीन इसको भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो है साइप्रस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइप्रस का फोल्डर है, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू जेस्ट और वीटेक्स दोनों के, क्योंकि साइप्रस जो है वो एक कंप्लीट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जेस्ट भी है, लेकिन ये मेनली यूनिट टेस्टिंग पे फोकस किए हुए। ये बेसिकली फुल एंड टू एंड टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और ये काफ़ी मेच्योर है। इसका करंटली वर्जन 11 या 13 चल रहा है, जो कि हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और 13 इसका वर्जन चल रहा है। हम यहाँ पे जेस्ट का भी वर्जन देख लेते हैं, जेस्ट भी बहुत मेच्योर है, उसका 29 जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया 29.7 चल रहा है। और वीटेक्स क्योंकि वो ज़रा लेटेस्ट है, मॉडर्न है, तो वो अभी वर्जन 1 पे ही है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी वर्जन 1 भी है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं कंपेयर टू दिस। और यहाँ पे आप डाउनलोड्स भी चेक कर सकते हैं कि जस्ट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कह लें ब्रॉडली यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको साइप्रस को रन करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा साइप्रस को देख लें क्योंकि साइप्रस का जो इंटरफेस है वो किस तरह का है, और उसके बाद फिर हम वीटेक्स को चला के देखेंगे क्योंकि वीटेक्स किस तरह बिहेव कर रहा है, और लास्टली फिर हम जेस्ट को इसमें सेटअप करेंगे। कंटिन्यू करते हैं और साइप्रस को चला के देखते हैं। साइप्रस के साथ स्टार्ट करने से पहले बेसिकली क्योंकि हम ये जो हमारी करंट प्रोजेक्ट की स्टेट है इसको मेंटेन रखेंगे, तो हम सबसे पहले तो यहाँ से एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेंगे जो कि जिसको हम नाम देंगे फ्रंट एंड टेस्टिंग V1, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इस ब्रांच से हम एक बेसिकली न्यू ब्रांच बना लेंगे साइप्रस T1, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रंट एंड टेस्टिंग साइप्रस T1, टी फॉर टेस्ट और वी फॉर वर्जन, क्योंकि ये एक्चुअल है और ये सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं। इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे अब जो हमने टेस्टिंग करनी है उसको करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको डेमो पर्पसेस के लिए भी कर रहे हैं, बाद में हम इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कमांड भी ऑलरेडी सेटअप है टेस्ट डॉट ई टू ई एंड टू एंड, और उसमें हमारे पास जो कमांड है वो है साइप्रस ओपन की। यहाँ पे आपके पास साइप्रस रन की कमांड भी हो सकती है, मैंने इसको रिसेंटली चेंज किया था ओपन में। मैं पहले आपको रन की कमांड के साथ चला के दिखा देता हूँ कि उसका क्या बिहेवियर आता है, और उसके बाद दूसरी इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। डिफॉल्ट जो होंगे वो आपके पास कम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ होगी, फीचर्स होंगे और ये फाइलें होंगी। अब मैं इस टेस्ट की कमांड को रन करता हूँ, ये यूनिट पर हम वापस आते हैं। इसको मैंने रन किया, जो रन की कमांड है वो बेसिकली इसको ओपन करेगी और हेडलेस मोड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडलेस मोड में उस टेस्ट को रन करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ जनरेट करेगी, और सारा कुछ हेडलेस मोड में करेगी। हेडलेस मोड का मतलब होता है कि एक्चुअल GUI नजर नहीं आएगी, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसको रन करेगा और जो भी एंड रिजल्ट होगा उसको करके दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने स्क्रीनशॉट भी लेके दिखा दिया ओके कि ये फेल हुआ है, और भी जो भी इसने रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी थी इसने सारा कुछ कर दिया, दैट्स इट। लेकिन मुझे इसका बेसिकली जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया था ओपन में। अब इसको दोबारा रन करेंगे, अब की बार ये बेसिकली साइप्रस का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको ओपन कर देगा, और साइप्रस ये सारी चीजें हम मैनुअली खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सिर्फ साइप्रस की वेबसाइट पे आएंगे और इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है। आप इंस्टॉल साइप्रस पे आएंगे, वो आपको बता देगा, इस कमांड को रन करेंगे, वो कॉन्फ़िगर करके आपके लिए जो साइप्रस की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको कर देता है, बाकी सारा ये डॉक्स में है। लेकिन हमने आयोनिक के जो बॉयलर प्लेट है उसको यूज़ ही इसीलिए किया था ताकि हमें ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड प्री सेटअप मिले, और बेसिकली बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी पहले से ही हुई हो। आप यहाँ पर इंस्टॉलिंग में आके ये सारा कुछ फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो, अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए कर दें, इस प्रोजेक्ट में तो ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है सारा कुछ। यहाँ पे हम वापस आते हैं, ये कंपोनेंट टेस्टिंग हम बाद में इस पर आएंगे, अभी इस पर नहीं जाएंगे। एंड टू एंड टेस्टिंग ये देख सकते हैं पहले ही कन्फिगर्ड है, इस पर क्लिक करते हैं और ये बेसिकली मुझसे पूछेगा किस, यहाँ पे अभी ये दो हैं, यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। अभी के लिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ कंटिन्यू करूँगा क्योंकि ये ज़रा फास्ट है, जल्दी चल जाता है। और यहाँ पे ये टेस्ट्स आ रहे हैं, ये टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है, ये ई टू ई में अवेलेबल है, और ये टेस्ट है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ये टेस्ट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो टेस्ट था ये चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये टेस्ट अभी एक एलिमेंट ढूंढ रहा है जिसकी कंटेनर हैश कंटेनर आई डी है, बेसिकल कंटेनर की आई डी है, और उसमें ये टेक्स्ट ढूंढ रहा है रेडी टू क्रिएट आई ऐप। बेसिकली जब हमने अपनी ऐप को बनाया था आयोनिक के साथ, जब ऐप को स्टार्ट किया था तो तब हमारे पास ये कंपोनेंट अवेलेबल था और उसमें जो मेन स्क्रीन थी उसमें ये चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि अब हमने सब कुछ चेंज कर लिया इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सा एक काम हम करने लगे, कुछ खास नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं, दैट्स इट, इसको क्लोज, सॉरी इसको
ये हमारे पास इसका वो बना है सिलेक्टर, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो अनडिफाइंड शो करवा रहा है और यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको रिजोल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर तीन ये फॉरवर्ड स्लैशेस लगाएं और बाद में रेफरेंस टाइप्स इक्वल टू साइप्रस और इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गायब हो गया, लेकिन इसके बिना ये क्या कह रहा था, इसको बेसिकली मैं कमेंट करूँ कि आप मोका जो है उसकी टाइप्स को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये सारी टाइप्स मोका में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमने वो नहीं करना क्योंकि हम साइप्रस यूज कर रहे हैं। हम ये काम करेंगे और साइप्रस ऑटोमेटिकली इसको बता देगा कि ओके ये टाइप्स का क्या मतलब है, क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली सारा लिंक क्रिएट हो गया। अब हम इस टेस्ट को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे टेस्ट नंबर वन डेमो टेस्ट साइप्रस चेक सॉरी लॉगिन टेक्स्ट इज विजिबल ऑन लॉगिन पेज। ये विजिट हम यही करेंगे क्योंकि हमारा जो विजिट का यूआरएल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन हम इसको कंफर्म कर देंगे कि भाई हमने विजिट लॉगिन को करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको करना है यहाँ पर गेट। गेट जो होता है वो एलिमेंट गेट करने के लिए होता है, ये एलिमेंट है और इसमें डॉट कॉन्टेन्स ये और यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन। इसको सेव करेंगे और ये टेस्ट ऑटोमेटिकली रन होगा और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं उसने लॉगिन पे रीडायरेक्ट किया, यहाँ पर इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसमें कंटेंट्स को चेक किया, वो यहाँ पर है था तो इस वजह से। अगर आप इसमें कर देंगे कि डस सॉरी डॉट कॉन
सी किस पे जाके अपलोड होगा, अपलोड होगा क्या इंडियन पे? यहाँ पे मैंने इसको इस तरह अपडेट कर दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, सी वाई डॉट विजिट से इस पेज को विजिट कर रहे हैं, उसके बाद सी वाई डॉट गेट के साथ इस एलिमेंट को गेट करके मैं उसका रेफरेंस इसमें स्टोर करवा रहा हूँ, और ई एल डॉट कॉन्टेंट्स करके मैं चेक कर रहा हूँ कि इस एलिमेंट में ये टेक्स्ट है कि नहीं। और इसको आप सेव करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसको रीरन करेगा और ये यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे इसे सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसे रीरन करेगा और यहाँ पे ये पास हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ कमांड है, बेसिक कमांड थोड़ी देख लेते हैं, लेकिन बाकी जो है वो बाद में हम जब इस पे प्रॉपर काम करने होंगे फिर देखेंगे। एक कमांड जो बहुत कॉमन सी है वो सी वाई डॉट लॉग है। वो कुछ भी आपने लॉग करवाना हो, लेट्स से जस्ट सिंपल लॉग सेव कराएं और बेसिकली वो यहाँ पे लॉग हो जाएगा। एक ये साइप्रस का लॉग है और एक ये हमारे पास बेसिकली जो अपना ब्राउजर का लॉग होता है, इसको मैंने जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है उसके साथ किया। आप मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया है कंट्रोल शिफ्ट आई, मैक ओएस पे है कमांड ऑप्शंस आई, आप विंडोज पे F12 दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और अगर इसमें आपको लॉग चाहिए तो आप सिंपली सिंपल जो होता है जावास्क्रिप्ट का कंसोल लॉग उसको यूज कर सकते हैं इन JS console। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आ गया इन JS console। एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो cy.get है इसके एंड पे आप डॉट देन लगा के इस एलिमेंट को यहाँ पे करके रिसीव, इसके ऊपर ये सारे जो बेसिकली ये आपके पास एक्चुअल जो एलिमेंट है jQuery एलिमेंट वो आ गया, मीन कि आप इसके ऊपर इसका टैक्स यहाँ पर लेके कॉस्ट एल टैक्स इक्वल टू दिस, और इसको सी वाई डॉट लॉक भी कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ये पास हो गया और कंटेंट्स ये बेसिकली इस वजह से फेल हो गया क्योंकि इसका जो काम था वो सारा यहीं पे ख़त्म हो गया और अब इस ये इसका रेफरेंस यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि ये देन में हम चले गए, तो इसको ख़त्म कर देंगे और ये चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे अब हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट इस टैक्स को टू इक्वल, और यहाँ पे जो भी आप जिसके इक्वल के हम कहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं इस टैक्स को टू बी इक्वल, यहाँ पे बी लगाना चाहें तो बी लगा लें, अदरवाइज टू इक्वल भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। और यहाँ पे हम साइप्रस में आके ये देखें assertion, ये assertions होती हैं, और यहाँ पे अगर मैं b लगा देता हूँ टू b, एक इंग्लिश सिंटैक्स कंप्लीट हो जाएगा लेकिन उससे कोई यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो कह लें कि आपने उसको चेन थोड़ी लंबी कर दी है, दैट्स इट। तो टू इक्वल डायरेक्ट भी चल जाएगा, ये आपके पास रहता है। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है अब ये jQuery एलिमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉग है, ये सिंपल लॉग है। यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं vtext के साथ। vtext के साथ कंटिन्यू करने के लिए मैं सबसे पहले साइप्रस को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, और क्योंकि मैंने इसको पहले बंद नहीं था किया इस वजह से ये इस तरह हुआ है, तो आप पहले क्रोम वगैरह को बंद कर लें ताकि आपको चले एटलीस्ट ये वार्निंग ना आए। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लूँगा और ये भी, और स्क्रीन शॉट्स मैं चाहता हूँ कि कोई भी बैकअप ना हो क्योंकि अदरवाइज़ जो रेपो का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लूँगा कि साइप्रस में जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो हम एक्सक्लूड कर लें, तो ये चीज़ हमारी एक्सक्लूड हो गई। अभी के लिए बस इतना ही, इसको क्लोज करते हैं और इसको कमिट कर लेते हैं। ये हमारा हुआ है साइप्रस टेस्टिंग डेमो कंप्लीटेड।
अब हम वापस आ जाएंगे अपनी जो पहली ब्रांच थी हमारी ये टेस्टिंग पे, और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो यहीं से अगली ब्रांच बना सकते हैं, मैं इसी से बना लेता हूँ क्योंकि हमने इसमें थोड़ा काम किया है। तो मैं अब यहीं से एक नई ब्रांच बनाऊँगा, फ्रंट एंड वीटेक्स T1, ये हमारी नई ब्रांच बन गई। अब इसमें हम वीटेक्स की टेस्टिंग करेंगे, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वीटेक्स जो है वो बेसिकली थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप वगैरह तो सारा हुआ हुआ है तो उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उसको अगर खुद करना पड़े तो क्या उसका फ्लो होगा, क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं पैकेज डॉट जेसन में आता हूँ, जो कमांड हम यूज़ कर रहे होंगे ये वो ये वाली है, टेस्ट डॉट यूनिट, वो वीटेक्स को यूज़ करेगा। यहाँ पर जो वीट में आप देख सकते हैं टेस्ट का जो पैरामीटर है वो ऑलरेडी कंफिगर हुआ है, जे एस टॉम को यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर मैं सोर्स में आता हूँ तो ये यहाँ पे सेटअप हुआ है, जो कि जेस्ट डॉम एक्सटेंड जो भी उसकी सपोर्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास अभी कोई टेस्ट नहीं बना हुआ यहाँ पे, ये इसकी बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो फाइल है जो कॉन्फ़िगरेशन की वो है। यहाँ पे हम गेट सेटअप पे क्लिक करते हैं ताकि ये हमें आगे ले जाए। बेसिकली ये है एक SP है तो वो लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रही है। ओके, वीटेक्स हमारा इंस्टॉल है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसने ये सम बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो भी फाइल है एंड पे सिर्फ text.text.js करना है, हमारा ऑब्वियसली TS हो जाएगा। और उसमें फिर वीटेक्स से हम करेंगे एक्सपेक्ट टेस्ट और ये सम, ये बेसिकली टेस्ट को स्टार्ट करेगा और एक्सपेक्ट कर दें ओके। ठीक है, ये डायरेक्ट उसको कर रहा है जो असर्शंस हैं उनको अप्लाई कर रहा है, और हम उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली ये इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें होंगी, तो हम जो यहाँ पर सिंपल सा एक टेस्ट लिखेंगे और उसके साथ इसको फाइनलाइज करेंगे। हम लेट्स से के यहाँ से कोई फंक्शन देख लेते हैं जिसको अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको कर लेते हैं, अदरवाइज हम और कोई चीज़ देख लेंगे। ओके, ये ट्रंकेट को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो होगा बनाऊंगा वीटेक्स टेस्ट्स स्लैश यूटिल्स स्लैश हेल्पर्स डॉट टेस्ट डॉट TX। ओके, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे वीटेक्स से, इंपोर्ट करेंगे हम, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो एक्सपेक्ट असर्शन के लिए, डिस्क्राइब ब्लॉक डिफाइन करने के लिए, टेक्स्ट सॉरी टेस्ट एक टेस्ट के लिए, और इसमें मुझे एक और चीज़ चाहिए फ्रॉम एट स्लैश यूटिल्स हेल्पर्स, इसमें से मुझे ट्रंकेट चाहिए। टू टाइटल केस भी कर सकते हैं लेकिन इसको कर देते हैं। और यहाँ पे डिस्क्राइब, ये बेसिकली आप ग्रुप कर रहे हैं एक कि ये क्या है टेस्टिंग विद वीटेक्स डेमो, और यहाँ पे एक फंक्शन, अब इसमें टेस्ट आ जाएगा टेस्टिंग ट्रंकेट हेल्पर फंक्शन यूजिंग वीटेक्स, ये हो गया। और अब इसमें हमने करना क्या है, कौन से करते हैं और रिजल्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट और ट्रंकेट को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे, लेट्स से के आ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग। और अब मुझे इसके करेक्टर काउंट करने हैं कि कितने करेक्टर हैं, उसके लिए मैं एक हेल्पर टूल सिंपली यूज़ कर लूँगा ztools.zions.com, ये आप में से भी कोई भी यूज़ कर सकता है, ये आप सबके लिए एक सिंपल सा हेल्पर टूल बनाया है जिसको यूज़ करते हुए आप काफ़ी जो इसमें टूल्स अवेलेबल हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें कि करंटली अभी एक परसेंटेज कैलकुलेटर अवेलेबल है, वर्ड काउंटर अवेलेबल है,
CSS specificity counter available है और उसके अलावा भी कुछ tools available है जिसमें कि एक lorem syntax generator भी है। ये जैसे ही load होता है तब तक हम यहाँ पे continue करते हैं। ये truncate का जो function है ये क्या करता है, basically ये string लेता है और length का एक variable लेता है, जो कि अगर उस string की length उस length के variable से ज़्यादा हो तो उसके उसको basically उतना सब स्ट्रिंग बना लेता है, उसको कट कर लेता है स्ट्रिंग को उतना, और एंड पे ये एलिप्स साइन ऐड कर देता है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 की काउंट चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि ये 3 करेक्टर को पकड़ेगा और एंड पे डॉट 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 ऐड कर देगा, तो टोटल जो लेंथ होगी वो 6 हो जाएगी और एंड जो होगा वो उसके साथ होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्सपेक्ट result to end close okay। यहाँ पर बेसिकली सारा देखना पड़ेगा, to fill to be called match which okay two, यहाँ पर end with नहीं है तो आप basically इसमें कह सकते हैं to contains, ये कह सकते हैं, ये भी true हो जाएगा। उसके अलावा to equal आप कह सकते हैं कि ये a space b होगा क्योंकि हमने 3 character किए हैं, तो ये भी true हो जाएगा। तो इन दोनों को देखते हैं। अब इसको run करने का तरीका कार ये है कि हम यहाँ पर कमांड रन करें npm run, और ये हमारे पास कमांड है test.unit, इसको रन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली vtext क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हुआ है ये सब को देखेगा कि ओके ये देखें हेल्पर टेक्स्ट को इसने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया। और यहाँ पे ये कह रहा है missing dot extend specifier in this okay, ये बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा इशू आया, हालांकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी नहीं की। यहाँ पे आते हैं, ये कह रहा है इस चीज़ को एक्सटेंड एक्सपेक्ट, ओके हम सिंपली ये करते हैं कि जो भी यहाँ पर हमें एरर आ रहा है उस एरर को, जब भी कोई एरर आया उसको सबसे पहले तो सर्च करें, और यहाँ पे हम जी टूल्स भी सर्च देख रहे थे, तो खैर ये जी टूल्स है, इसमें से आप वर्ड काउंटर यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए यहाँ से जो भी ये था इसको वहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको बता देगा 4 वर्ड्स हैं, इतने करेक्टर्स हैं, जो भी आपने देखना हो उसके अलावा भी है। खैर इस पर आते हैं, किसी एक पर चले जाएँ, और ये इसका सलूशन है। बेसिकली ये ब्रेकिंग चेन 6 में आया, उन्होंने इसको रिमूव कर दिया और डिफ़ॉल्ट पे ले गए, दैट्स इट। तो हम भी यही करेंगे, हम इसमें आएंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारी ये दोनों टेस्ट पास हो गए। ओके वन पास, दो सेशन थी, इसको यहाँ से क्लोज कर दो, दो सेशंस थी, दोनों पास हो गई हैं। और यहाँ पर हम इसमें मैसेज दे सकते हैं the string contains in it okay। अगर आपने इस तरह के हेल्पफुल मैसेजेस देने हो तो इससे बेसिकली आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपका टेस्ट अगर फेल होगा, यहाँ पर पास नहीं फेल में, तो फेल में बेसिकली ये द स्ट्रिंग कॉन्टेंस, यहाँ पे ऑब्वियसली फिर ये होना चाहिए द स्ट्रिंग डज Not contains this in it, ताकि obviously जब fail हो तो हमें पता हो okay, कि string में ये नहीं है, तो expecting av to include this, तो इससे काफ़ी। और अगर हम ये message नहीं देंगे तो जब सिर्फ जो default था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, उसके अलावा आप और देख सकते हैं ये सिर्फ दो ही expect कर रहा है, तो मैं इसको यही रहने दूँगा ऐसे। और अगर मैं इसकी लेंथ को
ख़त्म कर देता हूँ तो अब ये एरर आएगा क्योंकि अब उसकी जो लेंथ है वो कम है काफ़ी, और वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 250। तो ये सारी चीज़ है, ये वीटेक्स हो गया। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और दैट्स इट। यहाँ पर एक मिनट, मैंने शायद उसमें से एक इसको ख़त्म कर दिया। और ये क्या कह रहा है, ओह सॉरी, यहाँ से मैंने 3 नहीं ऐड किया, ये दोनों पास हो गए, दैट्स इट। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं और जेस्ट को सेटअप करते हैं और उसके साथ जो अपने टेस्ट केसेस हैं उसको डेमो करते हैं। ये थी हमारी टेस्टिंग वीटेक्स के साथ। ऑब्वियसली इससे हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट रेंडर, ओके, और इसमें हम कह सकते हैं रेंडर। यहाँ पे हम कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, हम इस टेस्टिंग में बहुत आगे जा सकते हैं, इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें ऑब्वियसली इसकी बजाय हमें जाना चाहिए ऐप में, और ये, और ये बेसिकली यहाँ पे बट इज बीइंग यूज्ड एज अ टाइप हियर। ओके जस्ट वन मिनट, रेंडर दिस एंड दैट। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ओके रेंडर, ओके ये एरर जो यहाँ पे आ रहा है ये बेसिकली एक्चुअली इस फाइल की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारी TS की फाइल है और यहाँ पे हमने ये JSX यूज़ करने की कोशिश करी, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा TSX पे और फिर ये रेंडर कर सकेगा। ओके इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको अगर आप रहने दें तो कोई इतना इशू नहीं है, ये दैट्स इट, इसको भी रिमूव कर देते हैं और रेस टू बी फॉल्सी। यहाँ पे इसको खैर अभी के लिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं, यहाँ पर ये सारा करेगा और ये रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ है, ओ सॉरी, ये रिजल्ट यहाँ पर ऐसे होना, और यहाँ पे एक फेल्ड हो गया क्योंकि इसको फॉल्सी समझ रहा था, और ये अब ट्रूथ रेंडर हो जाएगा और ये ट्रू होना चाहिए, तो इस वजह से ये, तो इसको एक दफ़ा क्लोज करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वीट में आएँ तो ये देख लें कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन एरर दे दी, और ये मीन के यहाँ पे ऑटो कंप्लीट भी हमें नहीं प्रॉपर दे दी, तो उसके लिए आप इसको करंटली जो डिफाइन कन्फिग है वो वीट से आ रही है, तो आप इसको लेके आएंगे वीटेक्स कन्फिग से, और एक तो ये एरर ख़त्म हो गया, उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर जो है ना ऑटो कम्प्लीशन वो भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि ये कवरेज है तो अगर कवरेज में आते हैं तो यहाँ पे ऑल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी जो हैं इसको रिपोर्टर्स और उसमें कह सकते हैं टैक्स, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये क्या कह रहा है, नो वर्कआउट टैक्स इज नॉट असाइंड टू दिस, ओके जस्ट वन मिनट, प्रोवाइडर नहीं, खैर एक मिनट बस, ये रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टर एनी टाइप, कवरेज में आ जाते हैं, कवरेज ऑप्शंस में आ जाते हैं, ये कह रहा है कि इसमें आएगा प्रोवाइडर और वो किस टाइप का शायद इसमें, लेकिन नहीं ये रिपोर्टर ही आना था, टैक्स ओके और प्रोवाइडर V8 ओके, रिपोर्टर मीन के रिपोर्ट आपको किस तरह जनरेट चाहिए और प्रोवाइडर
जो एक्चुअल बेसिकली जिसके थ्रू वो करेगा, आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप फिर इसको रन करते हैं। अब की बार जब ये इसको देखेगा कि ओके हमने रिपोर्ट्स भी इससे रिक्वेस्ट की हैं, यहाँ पर हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। लास्टली अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे और करनी पड़ेगी, जो कि है यहाँ पर आके वीटेक्स में डैश डैश कवरेज इस कमांड को ऐड करना पड़ेगा। इसको क्लोज करते हैं और फिर रन करते हैं। अब की बार ये इसने पूछा ओके ये एक पैकेज इसको चाहिए, तो यस कर लेते हैं, ये पैकेज ये इंस्टॉल कर ले ताकि ये इसकी डिपेंडेंसी है इसको। और यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे भी मेंशन है, ये आप देख सकते हैं वीटेक्स, यहाँ पे आप कवरेज में इसको बता सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट V8 विल बी यूज्ड कवरेज दिस एंड दैट, ये पैकेज चाहिए, अगर अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा दूसरा। अगर आप ये तब करेंगे जब यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद कवरेज ये जो हमने फ्लैग ऐड किया है, और यहाँ पे रिपोर्टर्स में आप बता देंगे कौन कौन सा चाहिए, टैक्स जेसन ETC वगैरह, ये यहाँ पे होपफुली बस इंस्टॉल हो जाता है। तब तक हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। ओके रिपोर्टर में आप इसको और ज़्यादा बेसिकली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये कस्टम रिपोर्टर है उसको नहीं चाहिए हमें, उसको रहने दें। ओके ये रिपोर्ट बाय डायरेक्टरी इग्नोरिंग दिस एंड दैट, और ये इस तरह की रिपोर्ट हमें क्रिएट करके देगा। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम यहाँ से बाकी चीज़ों को देखते हैं कि इसके फीचर्स में क्या क्या, वीट कन्फिग जो हमने करके देख लिया, उसके बाद यूज़ द सेम सेटअप फ्रॉम योर ऐप टू रन, ये वही है स्मार्ट एंड इंस्टेंस वॉच मोड लाइक ऑटोमोटिव के। बेसिकली जैसे ही हम फाइल चेंज करते हैं वो होता है कंपोनेंट टेस्टिंग, वो हमने अभी देख लिया कि कंपोनेंट रेंडर होता है, टाइप स्क्रिप्ट की सपोर्ट भी हमने देख लिया, सिर्फ TSX करना है और चल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली टॉप लेवल अवेट, ओके इसको भी देख लेते हैं, ये अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। वर्कर्स मल्टी थ्रेड बाई दिस, ये एक पैकेज है। बेंच मार्किंग सपोर्ट बाई दिस टाइनी बेंच, फिल्टरिंग टाइम आउट कंकरेंट फॉर सूट एंड टेस्ट। उसके बाद वर्क स्पेस, ये बेसिकली इसी में लेके जाएगा मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे ले जाएगा नेक्स्ट पे। जस्ट कंपेटेबल स्नैपशॉट, यहाँ पे होगा कहीं पे स्नैपशॉट, ये इस पे लेके जा रहा है। ओके चाहे बिल्डिंग असर्शन जो हम एक्सपेक्ट वगैरह असर्शन कर दें, जस्ट कंपेटेबल। उसके बाद ये मॉकिंग API मॉकिंग के लिए, बेसिकली आप डाटा मॉक करके उसको सेंड कर दें, JSTOM हम यूज़ कर दें, हैपीडॉन भी यूज़ हो सकता है। ये अभी जो हमने कवरेज को देखा है, और रस्ट लाइक ओके ये ज़रा मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है, एंड टाइप टेस्टिंग यूजिंग, ओके हम टाइप को भी टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों की, ये इस पे लेके जा रहा होगा यहाँ पे, ये टेस्टिंग टाइप्स ऐसे ही जी, तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम फिर इसी कमांड को रन करेंगे और अब की बार ये हमें बेसिकली कवरेज रिपोर्ट दे देगा कि हमने जो हमारा टेस्ट हैं हमने कहाँ कहाँ तक टेस्ट को रन कर लिया होगा। यहाँ पर हमने कवरेज रिपोर्ट में क्या क्या सेटिंग की है, रिपोर्टर टैक्स ओके सॉरी, और इसमें मैं सिंपली HTML भी ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली वो हमारे लिए एक HTML बना देगा। और इसको ये देखें, वो उसने कवरेज रिपोर्ट ज़रा बनाने में उसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके बस एक मिनट, वो बना रहा था क्योंकि मैंने उसको चेंज किया, लेकिन अब रन करते हैं। आपकी बार जब ये कवरेज रिपोर्ट कम्प्लीटली बनाएगा, तो यहाँ पे हमारे लिए ये इसने वैसे बना दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन बस अब जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये पूरी कवरेज रिपोर्ट की हमारे लिए एक HTML डॉक्यूमेंट बना देगा, जिसको कि हम यूज़ बाद में यूज़ करके देख सकेंगे कि ओके कौन कौन से टेस्ट हमने कर लिए हैं और कौन से टेस्ट हमारे रिमेनिंग है। यहाँ पर ये हमारे पास बन गया, और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं ये हो गया। इसको अब मैं क्लोज़ कर दूंगा ताकि ये फिर रीरन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा कंज्यूमिंग टास्क है, और इसका मैं कॉपी पाथ करूँगा और यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टेस्ट हुआ है, क्या हो नहीं हुआ ETC, जैसे कि ये कह रहा है कि 100% टेस्टेड है, उसमें क्या है ये चीज़ है, इसमें कोई ऐसा सच
चीज़ है नहीं थी टेस्ट करने वाली, इसलिए उसने कह दिया 100% टेस्ट होगा। यहाँ पे अगर आते हैं, ये बेसिकली कैपेसिटर कन्फिग कह रहा है, और ये ऑब्जेक्ट था, इस वजह से इसको कह रहा है कि ओके आप इसको हम कन्फिग को देख सकते हैं, हालांकि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह बेसिकली ये सारे क्राइटेरिया खुद डिफाइन करना होता है कि इसको करना है। जैसे कि ये हेल्पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो ये रेड में है वो बेसिकली हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, और ये बेसिकली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रंकेट वाला जो काम है ये टेस्ट हो चुका है, इसमें से जो स्ट्रिंग वाला काम है वो टेस्ट नहीं हुआ। स्ट्रिंग वाला काम जो है वो इस वजह से टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो टेस्ट केस था, यहाँ पे अगर मैं आपको टेस्ट केस दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे 3 ही पास किया है। अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे आके ट्रंकेट दिस, इसको बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेक्ट को पास कर दूँ दिस विदाउट एनीथिंग, और इसको यहाँ पे कट करके कॉन्स्ट टैक्स इक्वल टू दिस, ये टैक्स हम यहाँ पे भी पास कर लेते हैं, और ये टैक्स यहाँ पे भी टू बी इक्वल, या टू इक्वल सीधा कर लें टू इक्वल इस टैक्स के, तो ये उसके भी ट्रू हो जाएगा। इसको अब फिर रन करते हैं, अब की बार आप देखेंगे अभी ये पार्ट टेस्टेड नहीं था, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे इसको फिर रन करेंगे, ये बेसिकली सारा टेस्ट पहले तो टेस्ट रन करेगा, उसकी रिपोर्ट हमें दे देगा, उसके बाद ये जो कवरेज रिपोर्ट है उसको बनाएगा, और फिर ये रुक जाएगा। हम यहाँ पे कवरेज रिपोर्ट का जब तक वेट कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा और वेट करूँगा कवरेज रिपोर्ट बनने का। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओके, ये कवरेज रिपोर्ट हो गई, इसको एंटर करूँगा, और अब की बार अगर मैं इस पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपरली टेस्ट हो चुका है, ये इसका। और ये जो येलो का है ये हम डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। रेड का मतलब होता है कि ये टेस्ट बिल्कुल ही नहीं हुआ, येलो का मतलब है कि ओके इसमें से एक केस टेस्ट हो गया, दूसरा केस टेस्ट नहीं हुआ, दैट्स इट। अगर आपने लास्ट केस इसको भी क्लियर करना है कि ये कैसे हो, तो उसका तरीकाकार फिर ये होगा कि हम यहाँ पर फिर इसको ही करें और अब की बार कुछ भी पास ना करें, सेव करें, और ये फिर एक दफ़ा टेस्ट को रन करेगा। और बेसिकली इस केस तक हम कैसे पहुँचेंगे कि जब हमारा स्ट्रिंग जो है वो अनडिफाइंड हो, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, और ये वाली जो कंडीशन है वो मैट हो जाएगी। और इसी तरह क्योंकि अभी ये कंडीशन मैट हो चुकी थी, इस वजह से ये केस तो टेस्ट हो गया इन दोनों में, इस वजह से ये कंडीशन तो मैट होगी लेकिन ये कंडीशन मैट नहीं हुई। अब हमने इस टेस्ट में कुछ भी पास नहीं किया, अनडिफाइंड पास किया, तो इस वजह से अब हमारी जो दूसरी केस है वो भी ओके, जस्ट वन मिनट, ओके यहाँ पे मैंने गलती की है, इसको हमने करना है टू बी इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारा अदरवाइज हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये हो गया खत्म, इसको मैं इसी तरह कॉपी कर लूँगा, उसको वहीं पर रहने दूँगा, और इसको बेसिकली फिर सेव करेंगे ताकि ये कवरेज रिपोर्ट है उसको रीजनरेट कर दें। ओके ये यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और दोबारा रन कर लेते हैं। ओके ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हमारी कवरेज रिपोर्ट जो है उसको जनरेट कर दे। अभी कवरेज रिपोर्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे कवरेज रिपोर्ट क्रिएट हो गई है, इसको रिफ्रेश करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह वैलिडेट हो चुका है, इसका ये केस भी टेस्ट हो गया है, ये केस भी टेस्ट हो गया, और ये भी। तो ये इस तरह आप बेसिकली ये कवरेज रिपोर्ट, जिसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे कोड में क्या चीज़ जो है अभी टेस्ट नहीं हुई। और ऑब्वियसली ये सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ से हम अगर वापस आएंगे ऑल फाइल्स में तो ये बाकी सारी कवरेज रिपोर्ट भी बता देगा, जो कि हमें बता रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 23% कवर किया, और बाकी सॉरी जो बेंचेस, जो कि हमें बता रहा है कि हमने अभी सिर्फ 20% कवर किया और बाकी जो है वो रिमेनिंग है। और इन 20% में से भी काफ़ी फाइल्स इस तरह की हैं जिसमें एज सच टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था, वो स्ट्रेट टाइप्स वगैरह थी, इस वजह से उनको ऑटोमेटिकली उसने कह दिया कि ठीक है ये पूरी टेस्ट ही है, क्योंकि इसमें
एज सच टेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्टेक्स्ट एपीआई या ईटीसी है, तो उसमें कुछ टेस्ट करने के लिए नहीं। ये जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इस कंपोनेंट्स में आते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं पोर्ट्स को नहीं किया गया, लेकिन जो बाकी चीज़ है जैसे कि जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो अभी अनटेस्टेड मार्क हुआ है, और उसको टेस्ट करने का तरीका है कि उसको रेंडर किया जाए और बाद में उसको देखा जाए, उसमें प्रॉप्स पास करके देखी जाए कि ओके सही बिहेव कर रही है कि नहीं, और ये सारा काम। ये था आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.